नमस्कार, मैं अनु शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान इंद्रदेव को मनाने ग्रामीण लोगों ने गांव के बाहर बने हनुमान जी के मंदिर पर बनाए दाल टिक्कर किया सामूहिक भोज। मुरैना में भीषण गर्मी के चलते वर्षा न होने के कारण मुरैना जिले के कैलारस तहसील के पास आज ग्राम भूरावली में बने हनुमान जी के मंदिर पर ग्रामीणों जनों ने एकत्रित होकर सामूहिक भोजन बनाकर ईश्वर को चढ़ाया और सामूहिक रूप से इंद्रदेव हनुमान जी शीघ्र वर्षा को ऐसी प्रार्थना की। प्राचीन काल से ऐसे मानता है यदि बरसात के मौसम में बरसात न हो तो अगर गांव के लोग गांव के बाहर बने किसी भी मंदिर पर जाकर सामूहिक भोज बनाकर ईश्वर को भोजन कराएं तो मेघों के राजा इंद्रदेव प्रसन्न होकर वहां वर्षा जरूर करते हैं। इसी मानता के चलते आज ग्राम भूरावली के ग्रामीण जनों ने यह कार्यक्रम किया। आपका? मेरा नाम बनवारी लाल रजक। कौन से गांव के हो? भूरावली। अच्छा, ये बताइए जी, इतने लोग यहाँ आज गांव के बाहर भोजन बना रहे हैं, क्या कारण है? अरे कारण क्या है, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। अगर प्रसन्न हो जाए तो पानी टपक जाएगा। अच्छा, उनको रही है ऐसा करने से पानी पड़ जाता है क्या? अरे पुरानी पुराने लोगों की कहावत है ये। क्या कहावत? बाहर गांव के बाहर जाने से टक्कर बनाने से पानी गिर जाता था और गिरता आया है। अच्छा हाँ, ऐसा तो ही है। कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हो? हनुमान जी को। चलिए ठीक। मेरा नाम बाबू है। ये क्या हो रहा है अम्मा इस गाँव में? उस गाँव में ये पानी नहीं पड़ रहा, उसके लिए भगवान की कृपा से मैं उपज जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये क्या बनाया जा रहा है गाँव के बाहर? टिक्कर बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? तो भगवान की कृपा हो जाए तो वर्षा हो जाए तो बाकी लिए बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा करने से वर्षा हो जाती है? हो जाती है, तो भगवान की माया है। ठीक है। कृष्णा रजक। कहाँ की रहने वाली बेटा? ब्रावली। ये क्या हो रहा है यहाँ इतने लोग बाहर भोजन बना रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हमारे गांव में फसल सूखने के कारण जो पानी नहीं पड़ रहा है, इसलिए गांव के बाहर हनुमान जी मंदिर पर टिक्कर बना रहे हैं। इसे कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि इसे मतलब पानी पड़ता है।